परी और सोने का खजाना। अलकनंदा गांव में जग्गू नाम का गरीब किसान रहता था। वो बहुत ईमानदार था। बेटी ललिता की शादी की उम्र हो गई थी। उसकी शादी के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, इसलिए वो कैसे कमाए यही चिंता थी। एक दिन जब वो खेत जोत रहा था, उसके हल ने किसी चीज से टकराया। बहुत कोशिश करने पर भी वो आगे नहीं जा रहा था। ध्यान से देखने पर वहां एक बड़ा पत्थर दिखाई दिया। उसे जोर से हथौड़े से मारने पर वो टूट गया और उसमें से एक परी बाहर निकली। परी: सुनो जग्गू, तुमने आज मुझे शाप से मुक्त किया। मैं तुम्हारा मुसीबतों के बारे में जानती हूँ। मुसीबतों से यदि छुटकारा पाना चाहते हो तो केट के दक्षिण की ओर कोने में 10 फुट खोदो। ऐसा करोगी तुम्हारी सारी तकलीफ दूर हो जाएंगे। कहते हुए गायब हो गई। उसके बाद जग्गू ने खेत को खोदना शुरू किया। यूं खोदते खोदते उसके हाथ एक सोने का घड़ा लगा। उसे खोलकर देखा तो उसमें अनमोल हीरे, जवाहरात और बहुत सारे रत्न दिखाई दिए। उसे देखकर जग्गू हैरान हो गया। जग्गू: अच्छा, परी ने इसी खजाने के बारे में बताया था। इससे मैं अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर सकता हूँ। पर पता नहीं ये खजाना किसका है, इस पर मेरा हक कैसे हो सकता है। महाराज के पास जाकर वो क्या कहते हैं देखता हूँ। वो इस तरह से इस खजाने के साथ दरबार जा पहुंचा। महाराज को अपने बारे में और इस खजाने के बारे में सब कुछ बताया। महाराज: जग्गू, तुम वाकई एक ईमानदार व्यक्ति हो। तुम जैसे लोग अभी भी इस संसार में हैं, इसीलिए न्याय और सच्चाई कायम है। यदि यही किसी और के हाथ लगा होता तो उसे छिपा कर रखता। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। खजाना कहीं पर भी मिले वो राज्य की संपत्ति होता है, इसीलिए ये राज्य संपत्ति है। पर तुम्हारी ईमानदारी भी सराहनीय है, इसीलिए ये खजाना तुम ही रखो और अपनी बेटी की शादी कर खुशी से जीवन व्यतीत करो। जग्गू ने राजा को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। उसके बाद बेटी की शादी भी धूमधाम से की। इसीलिए बच्चों, मनुष्य को ईमानदार होना चाहिए। हमारी ईमानदारी ही हमारी रक्षा करेगा हमेशा। कैसी लगी कहानी?